दिल्ली में सोमवार शाम को हुई तेज बारिश ने कई दिनों से सूरज की तपेश से झुलस रहे लोगों को काफी राहत पहुंचाई। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने जहां दिल्ली NCR का मौसम बदल दिया, तो इसी दौरान कई इलाकों में तेज आंधी ने कहर भी ढाया और कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। IMD के मुताबिक दिल्ली NCR में मंगलवार 31 मई को भी यानी आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इसी वजह से गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार के बाद मौसम साफ हो जाएगा और तापमान में इजाफा होगा, जिससे लोगों को गर्मी फिर सताएगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आज अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। IMD के एक अधिकारी का कहना है कि हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है, जिसके बाद मौसम में 4-5 डिग्री की गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 31 मई तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, यानी मौसम ठंडा और सुहावना बना रहेगा, लेकिन 1 जून से दिल्ली NCR में तापमान में फिर इजाफा होगा और इसी के साथ गर्मी बढ़ेगी। स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट के मुताबिक दिल्ली में मौसम 31 मई तक ठंडा रहेगा, लेकिन इसके बाद एक बार पारा फिर बढ़ने वाला है। उनका कहना है कि दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है, लेकिन 1 या 2 जून से तापमान फिर बढ़ जाएगा, हालांकि इस दौरान लू नहीं चलेगी। वहीं दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता की बात करें तो सोमवार शाम 4 बजे शहर की वायु गुणवत्ता 201 के AQI के साथ खराब श्रेणी में थी। हालांकि बारिश के कारण मध्यम श्रेणी में पहुंची और इसमें कुछ सुधार भी हुआ। वहीं सफर के एक बयान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के लिए अधिकतम हवा की स्पीड 18 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने की संभावना है, जिससे मध्यम फैलाव हो सकता है और AQI खराब सीमा के मध्यम या निचले छोर के भीतर रहने की संभावना है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।